अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज हमारे साथ है अवन भाई टेक स्वामी चैनल से। एंड हम लोग जब यहाँ पे मिले तो डिसाइड कुछ भी नहीं था कि वीडियो क्या बनाना है, बस कैमरा उठाया, चलो कुछ बनाते हैं। तो आज एप्पल का इवेंट हो रहा था जिसमें हाँ। कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो हमने सोचा बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं बट एक प्रोडक्ट जो कि काफी ज्यादा मुझे कंट्रोवर्शियल लगा है उसके बारे में बात करते हैं। मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ता ही नहीं हूँ, आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बस मैं नहीं पढ़ता। नहीं, अच्छा 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 नहीं बात ही नहीं करेंगे हम आईफोन एसई के बारे में, नहीं बात करेंगे, नहीं करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे। तो जो ये आईफोन एसई लॉन्च हुआ है आज, आपने देखा ये थर्ड वर्जन है, ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं आईफोन एसई 3 है, लेकिन खुद एप्पल देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये आईफोन एसई ये है, ऐसी ही है। ये एसई ही है, समझ रहे एक हो? बार वेबसाइट जाके आना, हमने भी देखा आईफोन एसई, देर इज नो 3, बस ये एसई है। क्यों? क्योंकि एप्पल भी जानता है कि भाई क्या ही चेंज हो गया है, पुराना जो एसी था वही आज भी एसी है। भैया जी सीरियसली गाइस, मुझे ऐसा फील होता है एंड शायद आपको भी ऐसा फील होता होगा कि भाई एसई को थोड़ा इनोवेटिव होना था, थोड़ा अच्छा होना था। नहीं एक्चुअली में भाई एसई का मतलब है स्पेशल एडिशन। ओके, और स्पेशल एडिशन 2022 में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर ब्रांड इनोवेट करेगा, बट इन्होंने स्पेशल किया नहीं किया, तो बाकियों से कुछ डिफरेंट किया। 2022 में तो कम से कम इसका प्राइस कम होना था, राइट 45,000 रुपए। नहीं किस वैसे बात पे? आवाज आई थी ये 25,000 का होगा, अभी जो बोल रहा था पहले तो उसको लाओ। 20,000 के अंदर आएगा एप्पल फाइनली लॉन्च करेगा 20,000 के अंदर एसई सीरीज का स्मार्टफोन। मैं तो भाई मन मन अपने आप को गाली दे रहा था कि क्यों आईफोन 13 खरीद लिया 80,000 में, भाई क्यों खरीद लिया, एसी ही लेता। बट फाइनली जब एसी आया भाई क्या है ये, 44,000 रुपए क्या होता है, मतलब क्या आप देना चाहोगे उस फोन के लिए 44,000 नहीं, रुपए? और एप्पल जब इंडिया में लाता है इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर वो 25,000 कर दे तो एक अलग बात होती, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। खत्म करते बाद हम आईफोन 12 लेंगे। तो भाई इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट इन्होंने चलो कुछ चीजें इंप्रूव की हैं। A15 बायोनिक चिप डाल दिया है 4.7 इंचेस की डिस्प्ले के अंदर, 4.7 इंचेस का वही रेटिना HD डिस्प्ले। एक्चुअली में ये HD भी आपको पता ही है कैसा होता है इनका, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं इसका जो डिस्प्ले है ये तो एंड्रॉइड एमोलेड से बहुत बेटर है। हाँ, जबकि LCD है ना। हाँ ये LCD और ये 60 Hz है कि 30 Hz है? मुझे भी नहीं पता कितने हर्ट्ज है, आई थिंक 10-15 होंगे। ठीक है यार, 44,000 रुपए आप दे रहे हो, एक HD डिस्प्ले ले रहे हो, LCD डिस्प्ले ले रहे हो, 60 Hz का ले रहे हो, ऊपर से 4.7 इंच का ले रहे हो। नो डाउट हमें हैंडी फोन बनाना चाहिए, राइट, ठीक है, बट हैंडी फोन का क्या मतलब है भाई, कि इतना हैंडी बना दे कि वो फिंगर ही फोन हो जाए, कि उंगलियों में ही फंस जाए, भाई हाथों से यूज कैसे करेंगे भाई? एक देखो बड़ा स्क्रीन रहता है ना, तो ये जो अंगूठा है वो स्क्रीन को एक एज से दूसरे एज पे ले जाने में मुश्किल होता है, लेकिन जब छोटा स्क्रीन होता है ना तो अंगूठा को स्क्रीन के अंदर ही रखने में मुश्किल होता है, ये बाहर निकलते जाते हैं। टाइपिंग नहीं हो पाती भाई इतने छोटे फोन में, मेरे को याद है मैं आईफोन यूज किया था 8, नहीं हो पाती। एंड सेम वही है ना, आईफोन 8 जैसा ही है, ऐसे भी यूज कर चुके हैं, कीबोर्ड ही नहीं चल पाता है, तो ये वाली बहुत दिक्कत है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट फोन, 2022 चल रहा है, एसुस का 8Z भी आया कॉम्पैक्ट, यार कितना प्यारा लगता है। पर ये भाई साहब बनाएंगे हम वही ऊपर के चिन, चिन छोड़ो, हम तो चिन की बात करते हैं, इन्होंने ऊपर का माथा भी इतना बड़ा दिया है। अच्छा लोगों ने तो नॉच लगा के दिया था ना कि वो आईफोन XR वाला नॉच आएगा, वो क्या हुआ, वो नॉच भी नहीं आया। एप्पल वाले कहते कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे तू। एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर 4.7 इंच से काफी लोग खुश हो जाएंगे, आई नो कि भाई छोटा फोन दिया है, जस्ट इमेजिन आपको 44,000 रुपए में एक ऐसा आईफोन मिलता जो कि बिल्कुल ये एसी 3 जैसा ही होता, बस जो आपका ऊपर का नॉच है ना वो डिस्प्ले का पार्ट में आ जाता, साइज वही रहता, बाकी डिस्प्ले का एक छोटा सा नॉच दे देते तो क्या होता, साइज तो वही रहता है, हैंडी उतना ही रहता है, स्क्रीन साइज बढ़ जाता, बट चलो HD ही रखते, स्क्रीन साइज बढ़ जाता। इतनी बड़ी हम भाई बोल रहे हैं ना, ये एसी का अभी थर्ड एडिशन है और आईफोन 3 साल तक तो वैसे डिजाइन नहीं चेंज करते कभी भी। अभी देखो ना 11 चल रहा है, 12 चला, 13 चला, तीनों में क्या ही फर्क है, सिर्फ उसको राउंड को फ्लैट कर दिया, दैट्स इट। वैसे लगते हैं यार बैक साइड से एकदम से क्या है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। सो आईफोन्स की यही दिक्कत है। इसके अंदर बाकी iOS 15 आ रहा है, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एक ही आएगा और IP67 आएगा। यस मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, 5G दे रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बैंड होंगे भाई, मे बी आपका दुनिया का सारा टावर से इंडिया में बैठे बैठे पाकिस्तान का टावर से कनेक्ट हो जाए, पॉसिबल है। बट यार मुझे प्रॉब्लम है ऐसे फोन से जो मुझे लगता है कि भाई
वर्थिटी नहीं है। अगर मुझे किसी को एप्पल वाला फोन रिकमेंड करना होगा, मैं टेना रिकमेंड कर दूंगा। मैं एक्चुअली मैं बोलूंगा कि ऑफर्स में आई थिंक आईफोन 12 अब और सस्ता मिलेगा। हाँ वो ज्यादा बढ़िया है। 50,000 में तो मिल रहा था आईफोन 12 पिछला सेल में, पिछले सेल में इस बार कम मिल सकता है। तो भाई आईफोन 12 अगर मिल रहा है भाई क्या है, मतलब A15 A14 में कितना ज्यादा फर्क है। कॉम्पैक्ट फोन चाहिए आईफोन 12 मिनी किसी भी इसकी जगह पे। आईफोन 12 मिनी यार अच्छे डिजाइन के साथ है, अच्छा लगता है, बड़ा लगता है, मैंने चलाया है, ठीक है वो छोटू सा इतू सा फोन है वो काफी सही, बट एटलीस्ट SE उससे थोड़ा बड़ा ही रहेगा। तो कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो मिनी ले लो, 12 मिनी इट्स अ गुड फोन। और ये मतलब SE में और क्या चीज है, मतलब फिंगरप्रिंट क्या, मतलब साइड माउंटेड है क्या, या अंदर डिस्प्ले है, वही पुराने वाला टच आईडी, आगे वाला टच आईडी अंगूठा छाप, भाई आधार आईडी दे देते जब खोलना हो आधार दिखाओ वो ज्यादा बेटर रहता यार। अभी आपके आईफोन 13 में फेस आईडी है, सॉरी भाई इसमें टच आईडी है, इस फेस आईडी से बेटर है गाइस। सुपर स्टार कैमरा, बिग टाइम बैटरी लाइफ, All at an incredible price. Oh my God! पहली बात तो incredible batteries, पर मतलब आपका आधा घंटा और चलेगा। हाँ मतलब yes. और आधा घंटा से मतलब ये है कि जो पुराना AC था वो आपका लगभग डेढ़ घंटा चलता था, और ये जो AC है ये आपका दो घंटा चलेगा। नहीं मैं बैटरी सेवर लगाऊंगा भाई, सवा दो घंटे चलाऊंगा। मैं सिम ही नहीं डालूंगा, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं बस वैसे ही फोन को स्टैंड बाई मोड पे छोड़ दूंगा किसी ड्रॉयर में। तो एक दिन चला अभी टिम कुक रो रहा होगा अगर वीडियो देखेगा, मैं समझ तो आएगी नहीं उसको, कोई बात नहीं। बट 44,000 का प्राइस आया है, मैं 20,000 तक 25,000 तक भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर यही फोन सेम स्पेक्स के साथ कोई एंड्रॉइड में आता ना, मैं 5,000 रुपए नहीं देता। अरे भाई ये एंड्रॉइड में निकाल के देखो, लोग ऐसा नकार देंगे ना कि ये फोन कभी आया ही नहीं। कौन आईफोन ऐसी नहीं, हम नहीं जानते। पिक्सल ऐसी, आई एम वेटिंग फॉर पिक्सल 6 है, वो अच्छा फोन होगा मोस्ट प्रोबेबली इसी रेट के आसपास, या फिर थोड़ा सा महंगा, मे बी 50,000 के आसपास, बट वो एक्चुअली में फोन अच्छा होगा। सो उसका वेट करेंगे, कॉम्पैक्ट लेना है तो। भाई मतलब समझ में नहीं आ रहा, एक बस फाइनल चीज यही, वीडियो खत्म करते हैं। किसने लीक किया था भाई कि 20,000 में आएगा आईफोन ऐसी? पकड़ के लाओ, मारेंगे हम। ये कौन था भाई? हम मुंह पे रख के बंदा खत्म। ओके गाइस, तो ये था हमारा आईफोन SE के बारे में एक छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखो एप्पल फैन बॉयज दिल पे मत लेना यार, ये जो वीडियो है हमने बिल्कुल ही मजाक में नहीं बनाया, सीरियस होकर बनाया है। थैंक यू, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब टू भाई टेक स्वामी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, पैसे इधर मिल जाएंगे, एप्पल लोग आपको मिल जाएगा। जय हिंद।